हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सोलो गेम डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप खुद का गेम खुद अकेले बैठ के बनाना चाहते हो, उसकी प्रोग्रामिंग, आर्ट, साउंड, वो सारी चीज़ें आप खुद बनाना चाहते हो, तो दैट एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोलो गेम डेवलपमेंट। मतलब आपकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर नहीं रहती। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कैसे आप खुद का एक करियर बना सकते हो बीइंग अ सोलो गेम डेवलपर। सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, सारे एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो इस वजह से वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग के दिमाग में एक ख्याल रहता है कि यार गेम डेवलपमेंट काफ़ी एक लुक्रेटिव फील्ड है, बहुत ही अच्छा पैसा है और हम कोई भी अच्छा एक गेम बना सकता है। तो इस केस में काफ़ी सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं गेम डेवलपमेंट में आने के लिए, एंड उसमें से गिने चुने लोग ऐसे रहते हैं जो लोग सोलो गेम डेवलपर्स का एग्जाम्पल लेके इस फील्ड में आते हैं एंड उनको लगता है कि यार उनका भी गेम पॉपुलर होगा। तो पॉसिबिलिटी है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ें भी हो सकती है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वीडियो को एकदम फ्रेश माइंडसेट से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो तो फिर भी ठीक है, अग्री करते हो तो बढ़िया बात है, और कुछ नया सीखने आए हो तो यार नया सीख के जाओ। सबसे पहले बात करते हैं मिसकंसेप्शंस के बारे में। बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं सोलो गेम डेवलपर्स से। जैसे एक बहुत बड़ी मिथ है, गूगल के ऊपर अगर आप टाइप करोगे माइनक्राफ्ट डेवलपमेंट टाइम, तो वहाँ पे आपको बताएगा कि वो गेम सिर्फ 6 दिन में बनाया था। तो ये कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं है। हालांकि हो सकता है कि उस गेम का जो बेस कोड है वो 6 दिन में बना हो, बट माइनक्राफ्ट एज अ गेम उसकी डेवलपमेंट आज तक चालू है। वो इस वजह से, बिकॉज वो गेम स्टार्ट की थी एक सोलो बंदे ने, एक ही बंदे ने स्टार्ट की थी, बट फिर वो इवेंचुअली इतना बड़ा हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने उस गेम को अक्वायर कर लिया। मोजैंग को अक्वायर कर लिया, और फिर बाद में अभी वो पूरा गेम है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट टीम बैठती है, बहुत बड़ी सपोर्ट टीम बैठती है। तो भले वो सोलो गेम डेवलपर था, उसने इवेंचुअली उस गेम को बड़ा बनाया, एंड देन बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करती है। जैसे आपका लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइनक्राफ्ट तो एक गेम था, बट मे बी उसी टाइम पे कितने सारे ऐसे हज़ारों डेवलपर होंगे जो खुद का एक गेम बनाना चाहते थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत टाइम डाला भी था, बट फॉर सम और द अदर रीज़न वो लोग उस गेम को कम्प्लीट नहीं कर पाए। तो सोलो गेम डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर ये रहता है कि आपकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज एंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज इन द सेंस, आपको डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, आप जो मर्जी चाहे कर सकते हो, जैसा गेम चाहिए वैसा बना सकते हो, डेडलाइंस का भी पंगा नहीं रहता। बट एट द सेम टाइम डेडलाइंस का पंगा नहीं रहता वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। वो इस वजह से क्योंकि जब तक आप उस गेम को खुद के पास डेवलपमेंट स्टेज में रखते हो, तब तक वो मार्केट में नहीं जाता, तब तक आपको वैलिडेशन नहीं मिलता, तब तक आपके पैसे नहीं बढ़ रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत बड़ा लॉस रहती है इन द लॉन्ग टर्म। बट डेफिनेटली अगर आपके पास एक फिक्स्ड डेडलाइन आपने प्लान कर रखी है, आप खुद को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रॉपर टाइमलाइंस मीट कर रहे हो, तो वो केस में सोलो गेम डेवलपमेंट इज़ द परफेक्ट थिंग टू डू। आपको अगर टेंशन नहीं है, आपके पास अगर एक वेल पेइंग जॉब ऑलरेडी है और आप गेम डेवलपमेंट एज अ हॉबी करना चाहते हो ऑन द साइड, जब तक आपके प्रॉपर पैसे नहीं बन रहे, तब सोलो गेम डेवलपमेंट इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। अगर आप खुद का टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हो, सोलो गेम डेवलपमेंट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपको जमेगा भी नहीं। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली करे जा रहे हो, इवेंचुअली आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से पकने लगेगा। इन द सेंस आपको बोर होगा, या फिर आपके पास मोटिवेशन नहीं होगी, या फिर सिंपली आपको उस डायरेक्शन में एफर्ट्स डालने के लिए नए आइडियाज़ ही नहीं आ रहे होंगे। तो वो स्टेज पे पहुंचना एज अ सोलो गेम डेवलपर बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं। जब आप टीम के साथ काम करते हो तब आपके पास थॉट प्रोसेस शेयर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो उस केस में हो सकता है कि दो लोगों की भी टीम अगर रही तो एटलीस्ट आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे बंदे के साथ शेयर कर सकते हो। सोलो गेम डेवलपमेंट में आपकी प्रॉब्लम्स आपकी खुद की है, आपको अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है। एज अ करियर ऑप्शन कैसा है, अगर आपके पास एक हिट गेम बन गया देन इट्स द बेस्ट करियर ऑप्शन। अगर आपके हिट गेम्स नहीं बना पा रहे हो तो आपको बेयरली सर्वाइव करना पड़ेगा। अब सर्वाइव आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो, या तो आप किसी जगह पे जॉब ले लो, फुल टाइम जॉब ले लो, और फिर बाद में आपको जब शाम का टाइम मिलता है, जब आप घर पे आते हो, तब गेम डेवलपमेंट कर लीजिए। सेकेंड ऑप्शन ऐसा है कि आप दूसरों के लिए गेम्स बना सकते हो, आप क्लाइंट सर्विसिंग कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है, रादर देन सेल्फ पब्लिशिंग, आप किसी बड़े पब्लिशर के साथ काम करो। तो तीनों ऑप्शन में स्ट्रगल तो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी ऑप्शन
एकदम इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इवन आप जो गेम्स अगर सेल्फ पब्लिश करते हो उसमें भी स्ट्रगल है, बिकॉज जब तक आपका गेम डेवलपमेंट में है तब तक आपका कोई आउटपुट नहीं है, तब तक कोई आउटकम नहीं होने वाला। जितना आप अपने गेम के डेवलपमेंट में आप टाइम इन्वेस्ट करते जाओगे उतना ही आपको एक सेटबैक आते रहेगा, बिकॉज जब तक आप वो एज अ हॉबी कर रहे हो राइट, तब तक उसका एक एक्चुअल रियल लाइफ आउटकम कुछ नहीं बन रहा, ना आपको यूजर फीडबैक मिल रहा है, ना आपके पैसे बन रहे हैं, ना आपको कुछ डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं। ओके, तो एटलीस्ट अगर आप एक सोलो गेम डेवलपर हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टार्ट टेस्टिंग अर्ली ऑन। भले आप गेम डेवलपमेंट में मास्टर हो, ओके, प्रोग्रामिंग में मास्टर हो गए, शायद आर्ट में मास्टर हो गए, साउंड का भी अच्छा सेंस होगा, बट एक चीज जिसकी मास्टरी आपके पास नहीं है वो है दी मास्टरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मासेस। ओके, मासेस इन द सेंस आप जब गेम को लॉन्च करोगे तो आप खुद हर एक बंदे के पास तो जाके उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे कि गेम कैसे खेलना है, तो इस वजह से आपको टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भले आप जर्नी स्टार्ट करो एज ए सोलो गेम डेवलपर, बट अपने खुद के गेम में सोलो टेस्टर कभी मत बनिएगा, बिकॉज आप अपने गेम को इन एंड आउट जानते हो तो आप हमेशा कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस गेम को उसी तरीके से खेलोगे जिस तरीके से आपने उसको इंटेंड किया है बनाने का। ये केस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है अगर सोलो गेम डेवलपर ने प्रॉपर ऑडियंस के साथ टेस्टिंग नहीं की, तो उस केस में उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगा एंड इस वजह से जो वो गेम बनाना चाह रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं बन पा सकता है। तो ये रीज़न की वजह से आपको डेफिनेटली फ्रॉम डे वन एक जब भी आप कंफर्टेबल हो प्रोटोटाइपिंग का एक छोटा सा टेस्ट ग्रुप बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको 100-200 जन का टेस्टर्स का ग्रुप चाहिए, 5 लोगों के साथ टेस्ट कीजिए, 10 लोगों के साथ टेस्ट कीजिए। कोई इवेंट में आप जाते हो या फिर ऑफिस में आप काम कर रहे हो या फिर कॉलेज में हो तो फिर अपने कलीग्स को अपना गेम खेलने दीजिए, उनको बोलिए कि यार ये फीचर ट्राई आउट कर, उनको बोलो कि यार ये कैरेक्टर अनलॉक करके दिखा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जब वो गेम खेल रहे हैं तो उस टाइम पे उनको बस ऑब्जर्व करो, उनको ये मत बताओ कि यार ये बटन प्रेस करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एज अ डेवलपर पता है कि ये बटन प्रेस करना है, बट एज अ यूजर वो यूजर को पता ही नहीं चल रहा है कि यार क्या करना है। एंड यही सारी प्रॉब्लम्स होगी जब आप अपने गेम को मार्केट में लॉन्च करोगे, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपको सबको बताना पर्सनली जाके कि यार ये गेम में ये करना है या फिर इस गेम को इस तरीके से खेलना है। तो हमेशा एक टेस्टर ग्रुप बनाइए और वो टेस्टर ग्रुप को कभी बोलिए मत कि यार ये गेम को ऐसे खेल या वैसे खेल, बस ऑब्जर्व कीजिए। ओके, सो ये मेरे कुछ टिप्स है फॉर सोलो गेम डेवलपर्स। फर्स्ट इज पेशेंस रखना पड़ेगा, सेकेंड इज आपको टेस्टर्स का जो है एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, दैट इज मस्ट, दैट इज मैंडेटरी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डू नॉट एक्सपेक्ट योर फर्स्ट गेम टू बिकम अ हिट। एंड फोर्थ इज डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड बाय पॉइंट नंबर 3। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि यार माइनक्राफ्ट तो हम लोग बना लेंगे, माइनक्राफ्ट जैसा गेम बना लेंगे उससे अच्छा गेम बना लेंगे और वो रातों रात पॉपुलर हो जाएगा और लाखों करोड़ों डाउनलोड्स आ जाएंगे। वैसा नहीं रहता। आप जब गेम को मार्केट में लॉन्च करते हो उस टाइम पे उसकी मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ऑर्गेनिकली या अनऑर्गेनिकली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपको पैसे डाल के गेम की मार्केटिंग करनी है या फिर आपको खुद से गेम की मार्केटिंग करनी है, दैट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन। बट फाइट जो असली स्टार्ट होती है वो गेम लॉन्च होने के बाद होती है, और काफ़ी सारे सोलो गेम डेवलपर्स को ऐसा लगता है कि यार उनका गेम पॉपुलर होना ही होना है, तो इस वजह से वो लोग मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। बट आई वुड से दैट यू नो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक, मेक श्योर कि आप जो भी गेम बना रहे हो उसकी आप मार्केटिंग करो, एंड मार्केटिंग तब करो जब आपके पास स्ट्रॉन्ग डेटा है। मतलब आपके पास एक गारंटी होनी चाहिए कि मैंने ये जो गेम लॉन्च किया है वो यूज़र्स खेल रहे हैं, वो यूज़र्स वापस चले नहीं जा रहे या फिर गेम को अनइंस्टॉल नहीं कर रहे, और अगर वो कर रहे हैं तो वो यूज़र बिहेवियर को भी ट्रैक कीजिए। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे एनालिटिक्स के टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए। सो इस सोलो गेम डेवलपमेंट अ लुक्रेटिव करियर ऑप्शन, आई वुड अगेन से थ्रू दिस होल कॉन्टेक्स्ट, हाँ और ना। हाँ तभी जब आपका गेम पॉपुलर होता है, ना तभी जब आपका गेम पॉपुलर नहीं हो रहा। क्योंकि जब आपका गेम पॉपुलर नहीं हो रहा तो आपको बहुत सारे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बहुत सारी यू नो स्ट्रगल्स झेलने पड़ेंगे। तो आई वुड से यू नो इट्स अ ग्रेट थिंग टू एस्पायर टू बी अ सोलो गेम डेवलपर,
एट द सेम टाइम आई वुड से दैट वर्किंग विद टीम, एक टीम के साथ काम करना और ज्यादा मजेदार रहता है और ज्यादा उसमें मजा आता है, प्लस काम भी इफेक्टिवली एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो एक बंदे के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं आता। वरना अगर आप एक सोलो गेम डेवलपर हो, काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हम सोलो गेम डेवलपर बनके ट्रिपल ए गेम बना लेंगे, तो सबसे वो तो बहुत बड़ा मिथ है कि आप सोलो गेम डेवलपर बनके ट्रिपल ए गेम नहीं बना सकते। और काफी सारे लोग इसका आर्ग्यूमेंट ये भी बोलते हैं कि यार माइनक्राफ्ट तो अभी ट्रिपल ए गेम है। दोस्त, माइनक्राफ्ट अभी ट्रिपल ए गेम है, जब वो बना था तब वो इंडी गेम था बिकॉज वो एक ही बंदे ने बनाया था। अब जाके उसके ऊपर इतने सारे रिसोर्सेज लगे हैं, इतने सारे पैसे लगे हैं, तो अब जाके वो ट्रिपल ए क्वालिटी का गेम बना है। और ट्रिपल ए का मतलब ये नहीं रहता कि यार गेम के ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए, नहीं, गेम के ग्राफिक्स अगर रियलिस्टिक ना भी हो तो फिर भी वो ट्रिपल ए कैटेगरी में आ सकता है। उसकी क्राइटेरिया ये है कि उस गेम के ऊपर बहुत सारे पैसे लगे हुए होने चाहिए, इन टिपिकल रेंज ऑफ 15 to 10 million या फिर उससे ज़्यादा डॉलर्स की बात करो। तो ट्रिपल ए गेम तो वही होता है जिसके ऊपर बहुत सारे पैसे लगे हुए होते हैं। आप कोई भी गेम उठा के ऐसे उसकी बस ग्राफिक्स क्वालिटी अच्छी हो तो उसको ट्रिपल ए का नाम नहीं दे सकते। ओके, तो सोलो गेम डेवलपर्स का वो भी एक डायलेमा रहता है कि यार हम पहला प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा गेम बना लेंगे। बड़े से स्टार्ट मत करो, पहले छोटा सोचो और फिर धीरे 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 बड़ा सोचो। ओके, तो इतना ही बोलना था आप सभी लोगों को सोलो गेम डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप इस करियर ऑप्शन को ट्राई करना चाहते हो, डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू बिकॉज आप अपनी पैशन को परस्यू कर रहे हो। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा खुद का एक कोर्स भी है, हाउ टू गेट स्टार्टेड एज अ गेम डेवलपर, वो मेरी वेबसाइट के ऊपर लाइव है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो वो कोर्स अभी मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गेम डेवलपमेंट जर्नी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोज को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफी सारे वीडियोज बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अरे दोस्त रुको रुको रुको, क्या आप गेम डेवलपर बनना चाहते हो? यार मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक है, मैंने एक बुक लिखी है गेम डेवलपमेंट 101। इसके अंदर आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू गेम डेवलपमेंट आंसर किए हैं मैंने। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो अभी ये बुक अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, जाइए इसको खरीद लीजिए। एंड थैंक यू।